ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ ऐसे ड्रॉ टाइप से बनाया कि चलो ऐसे कैसे बना सकते हैं। अभी फर्स्ट ऑल हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने के लिए आराम से कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए कि आप इजी कैसे बना सकते हो, फास्ट कैसे बना सकते हो। तो अभी चलो आपको मैं छोटे से चीज़ को अच्छे से मैनेज करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ एक पार्ट मैंने ऐसे दिया। अभी यहाँ देखो ये जो मैंने मॉडल बना रखा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डब्लू प्रेस किया, ये सिलेक्ट हुआ यहाँ पे। अभी सपोज मुझे ऐसा कुछ बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ से मैं गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, फिर राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, देन आप अगर देखो मेरे आपको चीज़ें क्या है, आपको बस फ्रंट और साइड से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप ऐसे आराम से चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देखें यहाँ पे चीज़ों को आप ऐसे मैनेज करना चाहते हो ऐसे मैनेज कर सकते हो, थोड़ा चीज़ों को हल्की फुल्की जो चेंजेस होंगे वो आपको इसी से हो जाएगा आप यहाँ पे। यहाँ पे गए, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी एक मैंने कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, आप समझ यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ये काम कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। ये आप लोगों के लिए तो ईजी भी रहेगा क्या कि आपको एक बार टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल गया तो आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर दो, देखो ये पार्ट आप कैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे। तो एक तो आपकी मेजरमेंट की गलती नहीं होगी, दूसरा पार्ट आप इस टाइप से चीज़ को मैनेज आराम से कर सकते हो। इनके बीच में छोटे छोटे पार्ट है उससे हम लोग एक बार टच कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक मैं आपको विंडो बताने वाला हूँ एक इसी टाइप का टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी मुझे इसका डुप्लीकेट करना था। डुप्लीकेट करने के लिए क्या था, डब्ल्यू डी वी एंड मिडिल माउस बटन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो डब्ल्यू मतलब मूव, ठीक है, और वी से आपका स्नैप होगा वर्टेक्स पे, मिडिल माउस बटन से आप ऐसा कर सकते हो। सपोज आप में से कोई ऐसा है जिसको ये सब शॉर्टकट समझ में नहीं आता, इंसर्ट बटन प्रेस करना है, इंसर्ट बटन प्रेस करना ये यहाँ पे आ गया, वी प्रेस करना या तो क्या देखें इसको ऑन कर देना यहाँ पे, और देन यहाँ से पैसे लेके जाना अपने आप यहीं पे स्नैप होगा। ठीक है, एज यूज जो भी जैसा डिलीट करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे। डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है, डुप्लीकेट स्पेशल पे गए। अभी आपको फंडा समझ आइए, रेड कलर का मतलब क्या होता है, एक्स। ठीक है, एडिट एंड रीसेट, स्केल में एक्स वाई एंड जी, कंट्रोल डी करो, यहाँ पे एक्स में चेंज करो तो भी हो जाएगा, या यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस वन कर दो एंड अप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे। देखो चीज़ को देखिए मैनेज करें यहाँ पे, ओके कहाँ बन रहा भाई, अच्छा उधर बन रहा है ना, तो देखते रहने के भाई कहीं कुछ बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैनेज हो रहा है, तो प्लेसमेंट मेजरमेंट ये सब आपको बहुत बढ़िया काम आने वाला है। अभी देखो यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं इस चीज़ को मैं पकड़ लूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखो इसके बाद में बाहर एक छोटा सा बॉक्स टाइप से शेप दिख रहा है, उसको हम लोग आराम से कवर कर लेंगे कैसे क्या काम करना है। ओके, यहाँ पे कर दिया कंट्रोल डी, मैंने डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी स्नैपिंग है ना, वर्टेक्स स्नैप खेलेगा ये, तो हम लोग इसे ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। मैंने कहा चलो लेट्स सी, यहाँ पर मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पर। देखोगे आप जब भी घर में देखो ना, काफ़ी चीज़ बिल्कुल मेजर्ड होती हैं, बहुत ही प्रॉपर होती हैं, और काफ़ी चीज़ एक साथ जैसे एक जैसी दिखती हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं चीज़ को बनाता हूँ, मैं क्या बनाने वाला पहले समझने के। यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स आउटर बॉक्स दिख रहा है, आउटर बॉक्स को देखने के लिए यहाँ पे क्या करें, ये अपार्टमेंट यहाँ पे सेट कर दिया, ये अपार्टमेंट सी यहाँ पे आ गया। तो अगर आप देखो एट देन, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको चीज़ें ये अपार्टमेंट यहाँ पे कर देते, मेरे पास बीच वाला पार्ट बना है। ठीक है, बीच वाला पार्ट, ठीक है, आप यहाँ पे अभी बीच वाला पार्ट के लिए मैं आप अंदर ग्लासेस बना देना है, ग्लासेस बना दूंगा यहाँ पे, चीज़ को मैनेज करना है मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। अभी आप इसको कुछ भी बना सकते हो जैसे यहाँ पे, तो अगर ऐसा कुछ पार्ट है सेलेक्ट करो, सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, अभी ये सब इक्वल इक्वल इस लेवल में देखिएगा आप कैसे मैनेज करने वाले, कंट्रोल डी कर दिया। अभी चीज़ें तो एक ही हैं, लेकिन क्या यहाँ पर सेप चेंज कर दिया यहाँ पे, ये तो कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, सो एंड कैमरा को कर दिया हमने ऑफ। ओके, आप इस यहाँ से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप काम करोगे, ये मैं रेफरेंस मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर स्टार्ट किया तो मैं उस यहाँ पे अभी कहोगे सर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, एक ही को मैनेज कर रहे हैं। अभी सिंपल सी बात है, एक से मेरा काम चल रहा है, एक से बना लेना चाहिए। हाँ, किसी को मेहनत करने का ज़्यादा शौक हो तो मैं उसके लिए अलग भी टेक्निक बताऊंगा, अभी एक के करोगे ना अभी। ठीक है, देखो देखिए यहाँ पे बढ़िया सा आपका शेप आप यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से नीचे लेके आ सकते हो आप यहाँ पे, देखो पे। तो अभी ऐसा किचन मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, समझे ना। मैं आई थे कहना अगर ऐसा किचन मिल जाए तो फिर मज़ा ही है, आपको लगे करना है क्या, वो बनाया तो मैंने मेहनत देखी भी की ना, तसल्ली से मेहनत की। ठीक है, वो देखो वहाँ पे तसल्ली से मेहनत की, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे गए एडिट में गए एंड डुप्लीकेट स्पेशल हो जाएगा क्या? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट वाला पार्ट थोड़ा सा छोड़ के चलूँ, जैसे मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ, जैसे इसके बीच में एक एक पार्ट है जिससे मुझे लग रहा है कि एक एक पार्ट थोड़ा सा मैनेज कर देना चाहिए क्या, तो क्या करूँ? जैसे जैसे मैंने छोटे छोटे पार्ट है यहाँ पे गए तसली से, ठीक है, सेफ फ्रेम को कर देते हैं ऑफ, कहाँ गए सेफ फ्रेम, ये पार्ट यहाँ पे ये मैंने मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग काम कर ही रहे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फिर से लग रहा हूँ दिस वन एंड दिस वन, ठीक है भाई, एक साथ हुआ नहीं क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग है, देखो जहाँ व्हाइट और ग्रीन आ जाए इट मीन्स वॉट कि दोनों मॉडल अलग है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, स्विफ्ट एंड कम्बाइन कर सकता हूँ क्या, वो कर सकता हूँ, स्विफ्ट एंड मैंने कम्बाइन कर दिया, या मैं एक ही पे मैनेज करना चाहता हूँ, अभी मैंने दोनों पे मैनेज कर लिया, अभी मेरे को मेरे माइंड में प्लान है कि चलो मैं कुछ अलग करता हूँ। अलग करने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले काम, दो चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए, एक प्रोस्पेक्टिव, दूसरा आपका ये व्यू, ठीक है। आप चार व्यू यूज़ करना चाहो चार व्यू यूज़ करो, ठीक है। अभी देखो मैं पे जो काम करने वाला, मैंने कंबाइन किया फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन सेंटर पार्ट है कि नहीं है, देखो समझ लेना का सेंटर पार्ट कौन सा है ना, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैंने जिधर ही करना है ताकि देखो प्रोस्पेक्टिव में पता चला ना उल्टा सीधा, तो ये इसलिए प्रोस्पेक्टिव को देखना जरूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट हमने भी सेट किया, अभी मैं पे क्या करता हूँ स्विफ्ट, इसके बाद बॉर्डर तो हमने बना रखा है, स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, एक्सट्रूड में ऑफसेट आपको पता है क्या, ऑफसेट 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 से क्या होता है, कुछ होता है, हाँ कुछ होता है ना, इसे मैनेज करना आराम से तसली से। बीच में देखो गैप आया क्या यहाँ पे, ये मैंने कर दिया, अभी मैंने इसको यहाँ से इतने पार्ट में देखो थोड़ा सा डिज़ाइन होता है, अभी इतना करके मैं एक्सट्रूड करूँ तो, या फिर मैं यहाँ पे इसको अगर लोकल जेट में निकाल दूँ तो, देख रहे दरवाजे में खास कर देखने को मिलता है, देखो ये पार्ट देख रहे हैं, हल्का सा आगे बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, अगर कन्फ्यूजन हो तो टॉप पे जाओ फोर प्रेस करना, फोर अभी वायर फ्रेम का यूज़ पता चलेगा, हम लोग फोर यूज़ कब करते हैं, एफ फॉर फोकस, देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ से बाहर निकला है, यहाँ पे इतने तक रखते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करो फोर एंड फाइव लग रहा है थोड़ा सा डिज़ाइन, अभी ये ज़्यादा नहीं देखा तो एक और ऑप्शन है, सेलेक्ट करो दोनों फेसेस, जेड सेलेक्टेड है यहाँ पे, दिस वन टू एजेस पता है आपको, हार्ड करना पता है, स्विफ्ट राइट क्लिक एंड हार्ड एंड हार्ड हार्ड एंड एजेस करके मिलेगा, अभी देखो तो दिख रहा होगा अभी आपको, देख रहे हैं, तो देखो पहले कैसे था, पहले दिख नहीं रहा, हमने कहा रुक जा भाई तो को पकड़ते हैं और दिखाते हैं, तभी दिखा है एक तो तरीका हमें ये पता चल गया, अभी क्या दिखाने के लिए ठीक तो है, हमने दिखा तो दिया कि भाई बस ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है और यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अभी हम लोग को यहाँ पे माइंड में भी रखना है कि इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्सचर डालेंगे या कॉर्नर एजेस को थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर देना हमें आ गया ना, कॉर्नर को थोड़ा सा सैम्पल कर दे तो ऐसा चीज़ देखेंगे, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया दिख रहा है ना, अब सेगमेंट नहीं देंगे तो भी मेरा काम कर रहा है, सेगमेंट देंगे तो भी हमारा काम कर रहा है, तो हम लोग चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हैं, तो भी एज यूज अभी आपको लगता है तो सेगमेंट देना तो दे सकते हो, नहीं तो ऐसे भी काम कर जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा, चलो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, ओके ये अभी मैंने मैनेज किया था, अभी मैंने इसलिए डुप्लीकेट रोक लिया था, समझ बात को, डब्ल्यू एन डी वी एन मिडिल माउस बटन, ठीक है अभी मैं उसी पे काम करने वाला हूँ, ठीक है। एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल पे गए और देन आपको पता है एक्स होगा तो क्या माइनस एक्स पहले से, तो मेरा काम हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है ना। देन आउटर फ्रेम आपके पास यहाँ पे दिखा, आउटर फ्रेम को आराम से तसली से बनाने वाले, ये पार्ट मुझे मिल गया, अभी इसी पार्ट को मैं लेता हूँ, यहाँ पे देखा ओवन ये सब दिखा, अभी ओवन का बनाना है, अभी इसमें मैंने बोला आप लोग रेफरेंस लेकर आओगे तो मैं बताऊँगा, अब नहीं लेकर आओगे तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इससे मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा ध्यान से देखने का, वर्टेक्स पे गए यहाँ पे ओवन का हम लोग रेफरेंस निकाल लेते हैं भाई, ये मैंने कहा ओके दिस इज़ गुड, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, यहाँ पर मैंने पकड़ लिया, देखा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका एक ही मॉडल आपको देखो तो आपके किचन में सब सिमिलर टाइप से ही पार्ट होते हैं, तभी आपको लगे ओके ये देखो मुझे किचन बनाना है और बढ़िया बनाना है, देखने में अच्छा लगे तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ अभी, ठीक है थोड़ा सा तसली से बनाना कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत ना है। देखो अभी हमने कुछ बनाया तो नहीं हुआ, नहीं हुआ यहाँ पे करते हैं फोकस, फिर मैं उसमें वही मेहनत करनी थी, मैंने यहाँ पे एक ही से काम चला दिया, इसलिए आपको बताया ना एक बनाना आ गया तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है, अभी ईजी भी लगेगा, जो समझेगा सीखेगा उसके लिए ईजी है, जिसको लगेगा नहीं मैं फिर से तसली से बनाने वाला हूँ तो बनाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखना यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने कुछ कर दिया, मैं सेफ को ही लेकर दोस्तों मैं मैनेज करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने काम किया ओके दिस इज गुड, ये पार्ट में बस यहाँ पर गया, ठीक है ये पार्ट मैंने यहाँ से पकड़ के कर दिया, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, तो जो भी स्मार्ट लोग होते हैं ना स्मार्ट वर्क कर देंगे, अब ऑफिस में गए तो ऐसे नहीं मैंने इसके लिए भी अलग बॉक्स लिया उसके लिए भी अलग बॉक्स लिया और सुबह से शाम कर दिया एक इंटीरियर बन नहीं रहा, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो मिल गई जॉब और तसली से बैठोगे आप लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करोगे तो क्या होगा, अभी आप यहाँ से फटाफट घिस जाते काम खत्म कर दोगे,
है ना, तभी मैं इसी में से फ्रेमिंग निकाल के मैनेज करूँगा। मेरे पास देखो जो मैं चीज़ें मुझे यहाँ से मिल रही है मैं सिर्फ उसको पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या सिमिलर ले सकता हूँ, देखना यहाँ पे जो मुझे लगेगा इसका सिमिलर सिमिलर पार्ट है उस वाले पार्ट को मैं पकड़ सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे मैंने काम किया, अभी यहाँ पे कुछ एक पार्ट मुझे ऐसा करना है, जैसे 1, 2, 3 एंड 4 मैंने कॉपी कॉपी किया ना, दिस वन सेलेक्ट वो, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैंने काम कर रखा है, मुझे मैनेज करना है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये है मेरे पास, यहाँ पे सेफ्ट एंड डिसलेक्ट ये पार्ट देखना। अभी मुझे अगर यहाँ पे कोई काम करना तो मैं पे क्या कर सकता, मुझे अगर कंबाइन करना तो मैं कंबाइन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फेसिस 1, 2 एंड 3 तो बहुत मुझे अगर डिफरेंसेस देना है तो दे सकता हूँ मैं, मुझे कोई यहाँ पे तो नहीं आएगा। अभी देखो यहाँ पे छोटे बड़े में डिफरेंस देखना है क्या, सिफ्ट और मैंने क्या किया एक्सट्रूड, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है एक्सट्रूड, तो एक्सट्रूड को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना क्या, ठीक है। एक्सट्रूड पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया ऑफसेट कर दिया, ऑफसेट का भी तरीका है क्या, जैसे आप बहुत जल्दी बहुत कम ज़्यादा हो जाता है तो आप कंट्रोल और लेफ्ट माउस बटन क्लिक करोगे तो ऐप नॉर्मली होगा, नॉर्मल डील करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया इसको मैंने थोड़ा सा बाहर कर दिया, तो लोकल जेड है मेरे पास यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे आप लोकल जेड के साथ डील कर सकते हो। देखो बाहर यहाँ पे ज़्यादा मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखना कहीं मन करे तो जितना बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना क्या, ऊपर जाना टॉप पे जाना, फोकस करना है, फर्स्ट फोकस, बाहर नहीं दिखना चाहिए। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, देखो बाहर दिखना क्या तो इसको आप यहाँ से अंदर भी कर सकते हो, तो मैनुअल आप अंदर करना चाहो मैनुअल अंदर देखना है यहाँ पे, ठीक है। 4 प्रेस करके देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये पार्ट, मैंने इससे बाहर नहीं निकाला, ये टेक्निक होती है, आप इसको लगता बाहर निकालना तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर बोलना नहीं क्या ऑड लग रहा है। देखो ना किसी चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो कैसा ऑड लगता है, खाने में नमक ज़्यादा कर दो खा पाओगे, वैसे तुम लोग इसमें कुछ ज़्यादा कर दो तो अच्छा लगे। स्विफ्ट राइट क्लिक, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले अभी स्विफ्ट राइट क्लिक करूँ तो मुझे कुछ मिला नहीं क्योंकि मैं फेसिस पे हूँ, क्या करना है कन्वर्ट करना है, एजिस को सेलेक्ट किया, या तो एक एक करके सारे एजिस सेलेक्ट करो या कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करके कन्वर्टिंग टूल होता है, कंट्रोल राइट क्लिक टू एजिस एंड एजिस, एजिस पे आगे स्विफ्ट एंड सॉफ्ट एजिस एंड क्या करना है सॉफ्ट करना है हार्ड, ठीक है। देखो तुम तो हार्ड ही तो करना है तो तुम लोग बोलिए सॉफ्ट, ठीक है, तो हम लोग हार्ड कर देंगे यहाँ पे, हार्ड करने पे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे काम दिया, यहाँ पे जो मैंने मैनेज किया तसली से, एक अच्छी जगह मैं दिखाऊँ, जैसे मैंने जेड किया ठीक है, तो एजिस को मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्विफ्ट एंड बेवल एजिस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिएगा क्या बात समझ, यहाँ पे सेगमेंट्स मैंने दिया यहाँ पे, तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, याद रखना सेगमेंट्स 4 दिया है, डेप्थ कितना 0.5 है, अभी देखो यहाँ पे आ रहे बढ़िया से स्मूथ स्पेकुलर, ये मॉडलिंग में मजा आता है क्या काम करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप बाकी में डिफरेंस देख जाएंगे, इसमें देखना है तो अगर मैं इसमें भी काम करने वाला तो इसमें क्या करूँगा, सब मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने सबको पकड़ा कंबाइन किया एक साथ काम खत्म, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं, जैसे देखो ये 1, 2 ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, मुझे इसमें नहीं है, इसमें नीड नहीं है, तो कुछ तो डिफरेंसेस भी रखना पड़ेगा ना, सेव कर दिया कंबाइन कर दिया यहाँ पे, मैंने क्या करूँगा, मुझे अगर याद है 1, 2, 3 एंड 4 तो 4 ही बार सेलेक्ट करना पड़ा, 4 का मतलब एक फेसेस को सिलेक्ट किया तो 4 एजेस, तो 4 4 16 कंट्रोल प्रेस किया तो 16 12 सेलेक्ट करो या फिर ऐसे सेलेक्ट करो एंड सेफ्ट एंड बेवल एजेस, तो आपको एक्सट्रूड का फंडा क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने सेगमेंट दिया 4 डे सेगमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे देखो ये फिक्सन थोड़ा सा फिक्सन में मैनेज कर देता, तो यहाँ पे बड़े छोटे से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ जाता है क्या, ठीक है। मैं कैसे बांट रहे हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखना पे सॉफ्टनेस, ये देखो आपके घरों में जब ऐसा था दरवाजे में अलमीरा में कुछ ऐसा, तो अलग अलग यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा, तो बस आप इसे ध्यान दोगे तो आपका काम आसान हो जाना है, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसा कुछ कर दिया, विंडो भी बनाना है तो मैं विंडो भी बना लूँगा, ठीक है। पकड़ो विंडो, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, अभी कहोगे सर विंडो तो बनाओ, तो विंडो इसी से बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, लेट्स सी। चलो आप कहोगे सर एक लास्ट क्लास हम लोगों ने था तसली से काम किया एक चीज़ को बनाने के लिए, वो इतनी तसली से काम किया वो सारा काम ऐसे सब कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एक टेक्निक पता चल गई तो आप इससे मैनेज कर सकते हो, सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। और इस प्रोसेस को मैं अगर यहाँ पे डील कर दूँ यहाँ पे तो देखा होता है, अभी आ जाइए विंडो हमारा क्या होता है हॉलो होता है, फोकस कर दिया मेरे पास, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, दिस वन ऑल टच ये है ना, अभी फ्रेमिंग वाला पार्ट है, मुझे मैंने यहाँ पे डेप्थ भी दे रखा है, ठीक है। डेप्थ देने के बाद यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं बस तो और चीज़ों को मैक्सिमाइज करता हूँ, समझना। देखो यहाँ पे मैंने काम किया है बीच वाले पार्ट में, मेरे पास कोई नीड नहीं है, फेसेस सेलेक्ट करते हैं, मेरे फेसेस हैं यहाँ पे, यही पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी इज इट पॉसिबल मैं इसका मिरर करता, तो मैं मिरर का दो ऑप्शन बताता हूँ, मिरर होता क्या है पहले देखते हैं, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पे पहले क्या करना है, पीछे वाले फेसेस को सिलेक्ट करके सिलेक्ट दिस वन, ये को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करने तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ग्रो। ठीक है, ग्रो करता गया तो जाए, मैंने क्या किया सिलेक्ट किया मैं इसे, तो ऑप्शन मुझे क्या बना, विंडो बनाना है ना, विंडो में थिकनेस होता है और थिकनेस रखेंगे ना, अब कितना थिकनेस होता है अभी हमें पता ही नहीं है, नहीं पता ना तो कैसे पता करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते थे विंडो मेजरमेंट। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तो वन ठीक है फुट, अरे फुट बोला मैंने, ठीक है तो एफ तो वन फुट, ठीक है तो इंचज दे रखे हैं, अभी इंचज में जाकर देखो नीचे बहुत अच्छा सा आएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए अगर आपके पास नोट पैड है तो। ठीक है, एक फुट में कितने इंच होते हैं ये हमें पता चला 12 इंच, ये हमेशा याद रहना चाहिए, कभी भी मॉडलिंग कर रहे हो मॉडलिंग में अगर आपको मेजरमेंट नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहला काम, आप अपने घर में 5 या 10 ऑब्जेक्ट को पकड़ो, 10 ऑब्जेक्ट को मेजर करो, मेजर करने के बाद देखो आइडिया क्या है। जब आप फ़ोन खरीदने जाते हो ना उसको भी मेजरमेंट दिया होता है, कोई भी मार्केट में एक भी ऐसा सामान नहीं बिकता जो विदाउट मेजरमेंट हो, कभी आप उसको ना देखना तसल्ली से देखना, उसका कहीं ना कहीं मेजरमेंट लिखा होता है हर चीज़ का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 1 फुट इज़ इक्वल टू इंचेस। ठीक है, अभी मैंने कहा भाई 1 इंच क्या होता है, अभी फुट के अंदर 12 इंचेस, मैंने कहा 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फुट यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया 1 इंच इज़ इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे फुट इतना आएगा। ठीक है, ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होता है, 2.54। ठीक है, नोट करोगे 1 इंच में सेंटीमीटर कितना होता है, 1 इंच बड़ा होता है। ठीक है, उसमें 2.54 आपका क्या हो सेंटीमीटर होता है। ओके, तो ये छोटा सा पार्ट रहेगा। अभी मैं फेस को मैं चेंज करके देखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 इंच को मैं चेंज करके देखता हूँ, मुझे 1 इंच को मैंने कर दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितना होता है, 10। ठीक है, बड़ा छोटा इंच छोटा ऐसे करके हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी स्केल यूज़ किया होगा, स्केल में सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। अभी ठीक है, हमने देख लिया अभी सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अभी ये क्या सिंपल वे था, अभी सिंपल वे के बाद आपके पास क्या आता है, आपसे सिंपल कोई पूछेगा मुझे 1 फुट में सेंटीमीटर कितने होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको मैथ अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गूगल अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 फुट में मिलीमीटर कितना है, ठीक है 304.8। ठीक है, ये एक आइडिया मिल जाएगा, तो मिलीमीटर कितना है 304.8, अगर इसी का अगर मैं सेंटीमीटर करूंगा तो 30.48 हो जाएगा। ठीक है, 1 फुट में सेंटीमीटर कितना हुआ, 30.48। तो अभी आपको क्या करना है, जब आपसे पूछे कि भाई इतना सेंटीमीटर है तो आपको माइंड में 30 तो आ ही जाना चाहिए, 1 फुट में कितना होता है 30 सेंटीमीटर तो होता ही है ना। तो इतना आइडिया मिल गया, तो अब आप मेजर करोगे तो आपसे कोई पूछ लेगा, सपोज मैंने बोला कि चेयर का जो हाइट है 3 फीट का है, तो सेंटीमीटर कितना हो गया था, 3 × 30 90 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे अप्रॉक्सिमेट 90 के आसपास आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे तो मैंने बेसिक से बताया, इसमें फिर आप आओगे तो आपको फुट के साथ अभी कई मीटर भी होता है, यार्ड भी होता है, अभी यार्ड में आ जाओ तो यार्ड में कई मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने कहा पहले फुट हो गया फिर यार्ड हो गया, यार्ड में कितने फुट होते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यार्ड कैसे बोलते हैं, गज पता है, गज जैसे आप लोगों नहीं पता, अपने आपका मम्मी पापा से पूछना क्या, मम्मी पापा को सब गज पता होगा, जब जमीन खरीदने जाते हैं ना तो गज में मिलता है, पूछने एक बार गज क्या होता है, गज मतलब जैसे होता है ना 20 गज का है, 100 गज का प्लॉट है अपना, ऐसा करके डिस्कस कर देंगे। तो जब भी आप कोई भी एरिया खरीदोगे तो वो गज में बिकता है। ओके, तो आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यार्ड देखा, यार्ड पर हमने क्या देखा, 1 yard = 3 foot। ठीक है, अभी ऐसे करके बहुत सी चीजें, मतलब डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन जो मैंने आपको बताया बेसिक इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा आप काम करना स्टार्ट करोगे इसके बाद आप बारीकी को तो अपना पकड़ लोगे, जब सामने वाला पूछ लेगा कि भाई कितना क्या क्या काम करना है। ठीक है, अभी बैक टू लाइक हम लोग पहुंच गए विंडो, विंडो में मेजरमेंट पे आ गए। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे पास एक विंडो है, विंडो को यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेजरमेंट दिखा दे भाई यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 इंचेस ये देगा दिखना यहाँ पे, ठीक है 2.6 ऐसे दे रखा, हाइट कितना दे रखा है, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा। जैसा देखो यहाँ पे कितना है 60 और आपका हाइट कितना है 48। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए 60 क्या होगा, 60 फुट होगा क्या,
दिमाग लगाओ पहले, 60 फुट नहीं होगा, ठीक है, 60 क्या हो सकता है, इंचेस होगा, ठीक है, 60 इंचेस तो मतलब क्या है, 1 फुट में 12 इंच, ठीक है, 12 का टेबल आना चाहिए, 12 × 5 तो 5 फुट का, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो किस चीजों को आपको थोड़ा सा निकालना, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एक मैंने थोड़ा सा बेसिक से एग्जाम्पल दे देता हूँ, 3 है तो ऐसा हो गया 36, ठीक है, 12 × 3 = 36, तो ये आ जाएगा 3 फुट का हो गया। तो अभी क्या आपको आपको एक मैक्सिमम चीजें पता चल गई, और यहाँ पे हाइट कितना है 48, तो 12 × 4 = 48, फिर ठीक है, मैंने कुछ और सुना क्या, ठीक है, तो अगर लगे हमारी मैथ्स थोड़ी सी वीक है और हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, हम लोगों ने टेबल नहीं पढ़ा और यहाँ पे हमारा मैथ होता है, तो ठीक है 48 / अभी आपको डिवाइड तो पता है ना कितने करेंगे, ऐसे कर लेना क्या, तो भी आ जाएगा। तो मैं सबकी कंडीशन समझ सकता हूँ क्या, सब एक जैसे नहीं होते। चलो बैक टू वर्क, ये तो हमने किया, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे देख रहे थे, हम लोग को यहाँ पे देखो यहाँ पे चीजें मेजरमेंट सब कुछ एक आइडिया मिल जाता है, तो ये पार्ट देखा यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं चीजों को तो सर मैं मैनेज करता हूँ, जो मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे वो चीज बहुत ही बेटर दिखा, मैंने देखा वहाँ पे मैनेज किया, फिर चलते हैं माया में, चलते हैं माया, माया ठीक है। माया में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करें तो कहाँ से करते हैं और किस टाइप से करते हैं, यहाँ पे बगल में एक छोटा सा पार्ट, यहाँ पे देखो छोटा सा पार्ट होता है लेकिन दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने कुछ हाइड कर रखा है। तो क्या करेंगे, स्पेस बार वापस लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी मुझे कमांड लाइन देखा, कमांड लाइन मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, कमांड लाइन मैंने ऑन किया, फिर रेंज स्लाइडर, रेंज स्लाइडर के यहाँ पे छोटा सा कैरेक्टर भागता नजर आएगा, आपने साइकिल चलाई, साइकिल में जो होते हैं वो गरारी टाइप्स होती है, वैसे एक आइकन दिखेगा यहाँ पे, इंजन टाइप्स का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे सेटिंग में मिलेंगे, सेटिंग में आपको मिलता है सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे सेट करना है तो आपको फुट चेंज करना है, यार्ड चेंज करना है, इंचेस चेंज करना है, मीटर चेंज करना है, इतना ही मिल पाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन सेट करना है। बाय डिफॉल्ट माया सेंटीमीटर में होता है, जो भी माया आप स्टार्ट करोगे सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है, आपको इसको इंचेस, सेंटीमीटर, फुट, यार्ड या फिर मिलीमीटर में ही कर सकते हो, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, चलो मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया, अभी मैं आपको थोड़ा सा गेम दिखाता हूँ इसका, सेंटर पे तो नहीं लग रहा ना, ये आपको आइडिया मिल रहा है, सेंटर पे तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैंने कुछ बताया ना, तो मॉडिफाई पे गए, यहाँ पे सेंटर पावेट करना था, सेंटर पावेट पे कर दिया, अभी सेंटर पे आ गया, ओके डन। चलो अब लेट्स प्ले विथ मिरर, मिरर दिख रहे हैं, मेस में गए, मिरर पे आ गए, मिरर पे आ गए, मिरर में देखते हैं मिरर में क्या मिलता है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मिरर अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग टूल है क्या, इस टूल को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए, एक्स माइनस प्लस पता चलना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अप्लाई किया मैंने, अप्लाई करने में बस हुआ क्या, सबसे पहला बट यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे इधर उधर कहीं दूर तक दिख नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मैं सब कुछ हाइड करके किया ताकि आपको आइडिया मिले। यहाँ पे एक्सिस, आपके यहाँ पे जो एक्सिस मिलने वाला ऑब्जेक्ट एंड बाउंड्री बॉक्स ये मिलने वाला, तो मैं दोनों अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे जेड एक्सिस दिख रहा है, जेड एक्सिस दिख रहा है, वाई पे किया, वाई पे दिख रहा है, वाई पे इधर आ गया, देख रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है, एक्स पे कर देता हूँ, एक्स पे सीधा। अभी ऐसा कुछ जोड़ना चाहता हूँ, ऐसे भी जोड़ के बना सकता हूँ, तो काम करने के लिए इजी भी है, अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना तो ऑटोमेटिक वो मर्ज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जोड़ देगा, ठीक है। अभी मुझे एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, अभी मुझे चाहिए क्या, जेड, जेड में माइनस यहाँ पे क्लिक हो, यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, तो इधर की डिटेलिंग और इधर की दो तरफ डिटेल है, बीच में डिटेल नहीं है, इसलिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे देखो वर्ल्ड ये कर दिया मैंने, यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करने आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्मूथ एंगल है, मेरे पास स्मूथ एंगल है, यहाँ पे मर्ज थ्रेशोल्ड, ये आपका मर्ज काम करने वाला है, मर्ज पर ध्यान देना, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे चीज़ को देखो, यहाँ पे प्लस मैंने कर दिया, बॉर्डर मर्ज होगा, बॉर्डर मतलब देखो यहाँ पे चाहिए, अगर मैं पास लाऊंगा ना यहाँ पे देखो, तो बीच वाला पार्ट अपने आप मर्ज हो गया, 4 पेस करो देखिएगा, अंदर कुछ नहीं है, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये देख रहे बॉर्डर मर्ज का आइडिया मिला, ये पार्ट मैंने कर दिया, तो मुझे यहीं पर इतना काम करना था, अभी इतने काम करने के लिए हमने इतनी मेहनत कर ली, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे गया, ठीक है, 4 और 5 यहाँ पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे एक टूल तो हमें पता चल गया, दूसरा टूल अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फेसेस यहाँ से सिलेक्ट करो, दूसरा फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट करो, क्लियर है, सेफ प्रेस करो, अपने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज करके ऑप्शन था, ब्रिज फेस, तो आपको ये विंडो का फ्रेम बन गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी देखो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना पड़ा, कॉर्नर आपका मेंटेन भी रहा, और आप चीज़ें यहाँ पे देखोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे देखेंगी, ओके, आ गया फ्रेम, मेहनत करनी है पड़ी, आप चाहो तो बॉक्स लेके आराम से तसल्ली से बना सकते हो,
एक सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको ऐसा बना के दिया कि भाई अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो देखो मैच है कि नहीं है, है ना। तो चीज़ों को मैच करना, चीज़ों को फुलफिल करना, ये सब कुछ आता है। मेजरमेंट हमने देखा भाई फुट इंचेस और सेंटीमीटर क्या क्या होते हैं। इसके सिवाय इन चीज़ को तो होते जो पतली पतली लाइनें हैं, उन लाइनों को कैसे सेट करना है, मैनेज कैसे करना है, तो बहुत सारा काम करते हैं। तो इसे तसल्ली से करेंगे। मेरे पास अभी छोटा सा मुझे ऑप्शन देखना है, देखना है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने कर दिया सेपरेट, एक को पकड़ लिया डब्लू, यहाँ पे सेंटर पॉइंट कर दिया। अभी मैं उन चीज़ को मैं करना चाहता हूँ जिससे मेरा कम टाइम में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जल्दी हो सके। तो मैं अभी उन्हीं चीज़ को पहले पकड़ के काम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हम देखो आप सोचो जो आर्टिस्ट बनाता है वो कितना दिमाग लगा के बनाता है कि वो ऐसा बनाता है कि सब जगह इक्वली काम करते हैं। अभी सोचो आपने सोचा होगा कभी ये ऐसे हम लोग बना लेंगे, इतनी जल्दी बना लेंगे, यहाँ पे माइंड में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर चीज़ को अगर मैं मैनेज कर दूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे तीन पार्ट देखने हैं, तीन पार्ट। अब थोड़ा सा दिमाग लो, तीन पार्ट देखेंगे, तीन पार्ट में कहीं तो कोई ऑप्शन होता है खोलने के लिए। दिया इसमें कहीं, देखो यहाँ पे दिया है, इन सबों में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा क्या। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे तीन पार्ट, या तो तीनों पार्ट एक साथ खुलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ कन्फ्यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एच फॉर हाइट कर दिया, देखो यहाँ पे देखना बीच में क्लाइंट दिया ना, इट मीन्स वो भाई ड्रॉअर का क्लाइंट है। यहाँ पे आर्टिस्ट बनाना भूल गया क्या, तो गलतियाँ बाकी लोग भी करते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करें, अगर मैं इसको मैं मैच कर दूँ, मैच करने से मेरा काम हो जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ मेरे पास ऐसी हैं जिसको मैं जब बनाना चाहूँ तो मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन अभी बाकी चीज़ों को तो सर बैलेंस करना बाकी है। मैंने यहाँ पे किया, अब ये यहाँ पे किया तो ये यहाँ पे कैसा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग अलग से लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ओके लेट्स स्टार्ट लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। अभी सोचो यहाँ पे बनेगा कैसे, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हम लोग जहाँ फंसे हैं वहाँ पे क्या है कि तीन पार्ट ऐसे हैं, तीनों पार्ट को मुझे ऐसे मैनेज करके देना है। इज इट पॉसिबल, मैंने पकड़ा इसे आ जाओ, ओके आ जाओ यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया क्या। अभी तो यहाँ पे मैं अगर चीज़ को मैं मैनेज करने जाऊँ, देखो देखना भाई ये मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ध्यान से देखो, अरे अभी उसने चाहे गलती की क्या क्या, अभी हम लोग इसमें कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी सोचो और लगाओ कि भाई कैसे बनेगा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे किया, ये चीज़ मैनेज हो रहा है लेकिन यहाँ टाइम टेकन हुआ, तो मैंने चलो अनडू कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या, मैंने आपको थोड़े पहले मैंने मिरर भी बताया, मिरर आपको बताया लेकिन बताने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आया नहीं, ठीक है। क्यों बताया मिरर, क्योंकि आप समझ सकोगे। अभी मैं बस यहाँ पर जो पार्ट एंड पार्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाने का, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद पहले सेलेक्ट करो दिस वन, ठीक है। सिलेक्शन मुझे पता है तो सेलेक्ट में गए, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर बस एक ऑप्शन था ग्रो, ठीक है। देखो आइकन दिख रहा है, बोलते हैं कैसे क्लिक किया पे, ठीक है, एंड बढ़ रहे सेफ प्रेस करके बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे इतना ही चाहिए, मुझे लास्ट प्रेसिस का ही पार्ट चाहिए क्या। अभी जो मैं मेहनत करने वाला हूँ इतनी मेहनत करने वाला हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, ग्रेटर देन लोअर देन, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिज्यूम कर दिया, मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे इस काम को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने क्या काम कर दिया, एक्सट्रैक्ट फेसेस, एक्सट्रैक्ट फेसेस में गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, पीछे वाले को कर दो हाइट, ये पकड़ो इधर से एच फॉर हाइट। अभी यहाँ पे काम करो तो ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, वर्टेक्स पे गया, मैंने यहाँ पे कहा ओके प्रेस फोर, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये देखिएगा अभी आपको यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, डन। मिला नहीं मिला, ये मिला। अभी मिलने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा भाई काम कर तू इस क्रफ के सेंटर पे। अभी वन टू एंड थ्री ये मैं पता ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी करना, तो ये ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने मैनेज किया इसको, मैंने वर्टेक्स को मैंने कहा एक काम कर तो इधर से इधर आ जा, ठीक है। वी प्रेस करके स्नैप करके चलना है, देखो ये, अरे कई बार धोखेबाज होते हैं, काम नहीं करते, तो यहाँ पे आराम से मैनेज कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आके कई बार आपको यहाँ पे देखने को मिले तो परस्पेक्टिव में जाके फोकस, ठीक है, फोर एंड फाइव यहाँ पे करना, जब वहाँ पे नहीं करे तो यहाँ पे एक बार काम करना, ये देखना ये पार्ट आपका ऐसे है, तो वी यहाँ से देखो वी एंड स्नैप मिडिल ऑफ, बहुत ही तसल्ली से करना है, स्नैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये मैंने कर दिया, अभी इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने कहा कंट्रोल डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चीज़ को मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कॉर्नर वाले पार्ट है यहाँ पे, तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से रखना कॉर्नर मैच हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चीज़ें मेरे पास ऐसा कुछ है तो एजिस या वर्टेक्स जो भी ले लो,
डब्ल्यू एंड वी एंड स्नैप, ध्यान देना यहाँ पे नहीं कर रहा, देख रहा ना आप यहाँ पे, तो मुझे अगर यहाँ पे थ्री डी व्यू में जाना पड़े तो मैं जाके नीचे से पकड़ के वी एंड मैकडॉनल्ड्स बटन, ये मैं नहीं कर रहा, देखो आइडिया मिल रहा है, यहाँ पे हम काम तो ही कर रहे हैं, वी एंड स्नैप, देखो ये पेपर ऐसे भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गए ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया अभी देखो यहाँ पर वी एंड मैकडॉनल्ड्स बटन, तो थोड़ा सा तसल्ली से काम करो, देखो मेरे पीछे काम हो गया, आया कि नहीं आया, 1, 2 and 3 तीनों को कर दिया मैंने, क्या किया कंबाइन, ठीक है। अभी करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जोड़ना तो ही पार्ट है ना, अभी मैं क्या कर सकता हूँ ब्लाइंडली यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके सिर्फ मर्ज एंड मर्ज कर सकता हूँ, वैसे करना मुझे वही था, देखो यहाँ पे कितना मर्ज हो गया, देखना मैं तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मुझे मर्ज करना है 0.0001 लास्ट में 1 ही आना चाहिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक सिर्फ बीच वाला पॉइंट ही जोड़ेगा, ठीक है। जिसको लगे कि मैं समझ से ऊपर गया तो ये बीच वाला पॉइंट को सिलेक्ट करना, मर्ज कर देना, काम खत्म, ठीक है। जिसको लगे मेरे समझ में आ गया वो सब कुछ सेलेक्ट करके मर्ज कर देना, काम खत्म, ओके। तो कंट्रोल शिफ्ट नच यहाँ पे आप करो स्पेस बार, ये देखो कर दिया मैनेज, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ हाइट भी किया था, हाइट अनहाइट करके आगे का काम स्टार्ट कर देंगे।